नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ सारिका। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे रिपोर्टर्स लाइव के माध्यम से। और सबसे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आज दुर्ग में क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के अपडेट की। तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दुर्ग से सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग, क्या कुछ विशेष आज दुर्ग में रहने वाला है? शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जी, अगर सारिका जी बात करें सबसे ज्यादा पहले तो जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, जो बिलासपुर के टॉयलेट की झपके के वजह से 36 तो किसी रेल यात्री चार और जगहों पर विभिन्न कामों पर जाना था, अब जान कैंसिल हो गया है। 5 लोकल ट्रेनें हैं रद्द कर दिया गया है, ट्रेनें हैं उनका रूट चेंज कर दिया गया है। यात्री बहुत परेशान है और वे दूसरे स्थानों की ओर अपने वह समय पर जहां जाना चाहते हैं। अब दूसरा मैटर हम इस बारे में बात करेंगे जो है आवी होने लगी है। अब दुर्ग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, बूथ लेवल बैठकों का चालन किया जा रहा और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को विचार किया जा रहा था। उसी तारतम्य में अब पार्टी भी तू डाल डाल में बात के उसपे चल महावरे को करने लगी है, जिसमें बात मरकाम जी कल मोहन मेहता दुर्ग जिला और यहाँ पे और राजीव भवन में उन्होंने संभाग की बैठक ली और वहां करके हर बूथ में जाकर कार्यकर्ता को हर महीने लेने की बात की गई है। साथ ही उन प्रदेश द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं का लाभ जो किसानों को मिल रहा है, जो आम को मिल रहा है, उन तक पहुंचा बताने की बात जो कही जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय पार्टी और कांग्रेस आमने होने वाले हैं। और दूसरे जो इन बैठकों में आगे काम जो हुआ है वो बिरन घटना ने किया है। बिरनपुर की घटना के बाद जिस तरीके से भारत और कांग्रेस पे तेजी लाए हैं, मैंने की राजनीतिक गतियों पे तेजी लाए हैं, हो सकता है कोई एक नई दिशादेश को। और अगला मसला है जिला स्वास्थ्य विभाग का, उसमें ये पता चल रहा है कि जो जिला हमारा दुर्ग जिला स्वास्थ्य है वह 28 से 27 में से 6 नंबर पर आ गया है। और यह जो बात हुई है बच्चों को लेकर कि 1000 बच्चों में 45 ऐसे बच्चे हैं जो पास नहीं कर पा रहे हैं और किसी न किसी वजह से यानी न्यूनतम सुविधाओं की वजह से मृत और डेथ कर रहे हैं। और यही बचा है दुर्ग जिला चिकित्सा विभाग जो है वो चौथे पायदान पे आ गया है। और इसमें क्या खुलासा किस तौर ने बैठक है उससे हुआ है कि जिला दुर्ग का स्वास्थ्य विभाग और काफी जी बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।